नमस्ते खानों के शौकीन, आज हम ला रहे हैं आपके लिए मेरी नानी की रेसिपी जो काफी सदियों से चलती आ रही है और हमें बहुत पसंद है और आशा है कि आपको भी पसंद आए, मिक्स दाल टिक्की। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। हेलो, इसके लिए चना दाल हाफ कप, हाफ कप मूंग दाल, हाफ कप मसूर दाल, दही एक कप, दही, हरी मिर्च दो तीन हरी मिर्च, थोड़ा अदरक का पीस, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, पिसा हुआ जीरा, काली मिर्च पीसी हुई और साबुत धनिया, जीरा और गार्निश के लिए अनार, टमाटर, हरा धनिया, काटा हुआ प्याज और इमली की चटनी और हरी चटनी। हमने तीनों दालों को ऐसे पीस लिया है, ऐसे दरदरा पीस लिया, मोटा ऐसे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है इसको, बिना पानी के पीसना है और इसके अंदर हरी मिर्च और अदरक का पीस डाल के इसको पीस लिया है हमने। अब इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्च हाफ स्पून, हमने इसमें तीन मिर्ची भी डाली हुई है हरी, और थोड़ा सा गर्म मसाला हाफ स्पून। ये बहुत टेस्टी बनती है और एकदम करारी बनती है। इसको थोड़ा सा हम क्रश करेंगे ऐसे बेलन के साथ, थोड़ा सा ऐसे रख के बेलन के साथ क्रश कर लेंगे इसको ऐसे। एक छोटा स्पून एक डाल दिया हमने, इसको सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ मसाला नहीं डालना, बस इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। हम इसको बनाना शुरू करेंगे, हमारा तवा जो गर्म हो चुका है इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ऐसे, हम शैलो फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी टेस्ट बनती है। और थोड़ा सा ऐसे लेंगे गोला करके, इसको छोटी छोटी ऐसे बनाएंगे, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी ऐसे, और इसमें रखते जाएंगे तवे के ऊपर। दाल बिल्कुल ऐसे ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए, ऐसी दरदरी होनी चाहिए, नहीं तो वो अच्छी नहीं बनती। ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे इसको, हमें ऐसे सारी टिक्की ऐसे डाल दी है। अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल लेंगे ऐसे करके, लो फ्लेम में बनाएंगे हम लोग, धीरे से अंदर तक पकनी चाहिए। वो कलर चेंज हो गया है ऐसे देखो उससे, अब इसको हम ऐसे पलट देंगे ऐसे, देखो कितनी अच्छी हो रही है गोल्डन कलर की। अभी हमने साथ में इसके पानी रखा हो गर्म, जैसे ही दोनों तरफ से पक जाएगी तो पानी में डाल देंगे और थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, इसके बाद हम यूज करेंगे इसको। अभी हमारी टिक्की है दोनों तरफ से ऐसे सिक चुकी है, अभी हम इसको थोड़ा सा फास्ट में, इसको और कुरकुरा करने के लिए फास्ट में थोड़ा सा बनाएंगे दो तीन मिनट में। ऐसे देखो कितनी अच्छी लग रही है ऐसे दोनों, देखिए अभी हमारी टिक्की दोनों तरफ से गोल्डन ऐसे हो गई है एकदम, कितनी अच्छी लग रही है। अभी हम इसको पानी में डाल देंगे दो तीन मिनट उबलते हुए पानी में, हमने पहले से रखा हुआ गर्म पानी, इसको सबको उठा के ऐसे डाल के सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी ऐसे। इसको पहले दो तीन चार मिनट उबाल के, उबलते पानी में रखी, फिर पानी गैस को बंद करके ढक के ऐसे रख दिया। देखो सॉफ्ट हो गई एकदम, अभी ठंडे पानी में डाल के हमने ऐसे कर लिया, अभी ये ऐसे खाने के लायक होगी, एकदम सॉफ्ट होगी, बहुत अच्छी लगती है। ऐसे हम इसको रखेंगे ऊपर से, इसके दही डालेंगे ऐसे, गाढ़ा दही ऐसे पानी निकाला हुआ इसका, इसको आप एक घंटा पहले दही में डाल के रख दो, फिर सॉफ्ट हो जाती है एकदम। ये ऊपर से हम ऐसे अच्छे से दही डाल देंगे, हम इसको टिक्की को चाट के रूप में बना रहे हैं हम लोग, ये दही वाले के जैसे भी खाते हैं इसको। इसके ऊपर अभी हम नमक डालेंगे ऐसे थोड़ा सा, ये पीसा हुआ है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे इसे, ये पीसा हुआ जीरा, जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज, ओनियन ऐसे काटा हुआ बारीक, टमाटर, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे ऐसे,
बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी। इसको जरूर बनाना आप, बहुत टेस्टी लगता है। सब चटपटा तो सबको ही अच्छा लगता है। थोड़ा ओनियन, टमाटर, इसको अच्छे उसके ऊपर से डाल देंगे। देखिए दोस्तों, बनके तैयार हो गई है ये हमारी चाट। ये दाल से बनी हुई होती है, प्रोटीन भी काफ़ी होता है इसमें, और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी चाट की तरह। तो आप भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।